हेलो गाइस, मैं प्रियंका हूँ और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी डेडली मिस्टेक्स के बारे में जो कि अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं और अगर आप ये मिस्टेक्स करते हैं तो आपकी जो रिलेशनशिप सर्वाइवल है वो थोड़ा मुश्किल हो सकती है। इनफैक्ट अगर आप ये जान जाते हैं कि आपकी रिलेशनशिप में ये सब चीज़ें हैं और अगर आप उन पर वर्क करते हैं तो मे बी आप अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। ये जो रिसर्च है ये गॉटमैन इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी की गई है और साथ ही उन लोगों ने करीब 30 इयर्स तक अलग अलग कपल्स के ऊपर ये रिसर्च की और फिर ये जो डेडली मिस्टेक्स जो कि हर कपल में पाई गई या फिर कुछ कपल्स में पाई गई, तो उन लोगों ने जो जेस्ट निकाला है कि हमारी जो रिलेशनशिप्स हैं वो सर्वाइव करेंगी कि नहीं करेंगी, ये इन्हीं डेडली मिस्टेक्स के ऊपर डिपेंड करता है। और क्या आप इन मिस्टेक्स के ऊपर वर्क करके अपनी रिलेशनशिप्स को सुधार सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। तो इस इंस्टीट्यूट ने 4 ऐसी मिस्टेक्स जो कि एक रिलेशनशिप को डैमेज कर सकती हैं पाई, जब उन लोगों ने रियलिटी में इन सब चीज़ों को, इन रूल्स को दूसरे कपल्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करना चालू किया तो वो एकदम एक्यूरेट प्रिडिक्शन दे पाए कि ये रिलेशनशिप चल पाएगी आगे तक या नहीं चल पाएगी। ये तो उसी तरह से हो गया जैसे कि इंडिया में जन्म पत्री मिला करके शादी की जाती है ना। तो देखें, ये साइंटिफिकली अगर आप अपनी जन्मपत्री मिलाएंगे कि दूसरे में क्या ट्रेट है और आप में क्या ट्रेट है, अगर हमें ये पता चल जाएंगे तो हमें हमारी रिलेशनशिप की जो लाइफ है वो डिटेक्ट करना आसान हो जाएगी। प्लस शायद आप ये भी जान पाए कि कौन आपके लिए एक ज़्यादा बेटर पार्टनर है लाइफ में। इनफैक्ट हम इन रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर हम लोगों में, जिनके साथ भी आपकी रिलेशनशिप है शायद, अगर उनमें और हम में इस तरह के डिफरेंसेस हैं तो क्या हम इस रिलेशनशिप को आगे फॉलो करें या नहीं करें, परस्यू करें या नहीं, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो एक रिलेशनशिप में हो सकती है वो है क्रिटिसिज्म, एक दूसरे की बुराई करना। ज़रूरी नहीं है कि हम बुराई किसी और के सामने करें तो अच्छा नहीं है, लेवल पे जब बुराई करें या एक दूसरे के सामने करें जब कोई और मौजूद ना हो तब ठीक है, ऐसा नहीं होता है। क्रिटिसिज्म किसी भी फॉर्म में हो वो अच्छा नहीं है, क्योंकि जब भी हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं हम ये सोच के भी कर सकते हैं ये तो एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, मगर क्रिटिसिज्म चाहे कंस्ट्रक्टिव हो या फिर डिस्ट्रक्टिव हो, लेकिन क्रिटिसिज्म ही होता है। आप किसी भी फॉर्म में बुराई करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अगर कोई और आपके साथ ऐसा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करे तो शायद आपको भी अच्छा ना लगे। तो आपको थोड़ा सा स्पेस देनी चाहिए अपने पार्टनर को, उसको अपने आप से चीज़ों को फिगर आउट करने का मौका देना चाहिए। आप अपनी फीलिंग बता सकते हैं किसी को कि जब आप ऐसा करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन बुराई करना कि तुम ऐसा करते हो तुम वैसा करते हो, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि आप सीधे सीधे किसी के कैरेक्टर पे, किसी की पर्सनैलिटी पे आप जज कर रहे होते हो, जो कि किसी को भी पसंद नहीं आता, चाहे वो खुद आप हो या फिर कोई और हो जिससे आप क्रिटिसाइज कर रहे हो। और स्पेशली एक पार्टनर जो है उसको अटमोस्ट रिस्पेक्ट देना आपकी जिम्मेदारी होती है, और सेम वेज दूसरा जो आपका पार्टनर है उसको भी आपको प्रॉपर रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती ना। जब दोनों जन एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे तभी तो गाड़ी आगे बढ़ेगी और खुशी खुशी आगे बढ़ेगी, है ना। एक रिलेशनशिप में सबसे अच्छी बात ये होगी कि जब कोई हमारे लिए कुछ करता है और हमको वो चीज़ अच्छी लगती है तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन अगर कोई चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती है तो इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग हमको उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए, अंटिल एंड अनलेस वो बहुत बड़ी नहीं है। क्योंकि अगर आप रिलेशनशिप में खुशी नहीं है तो फिर आप क्यों उस रिलेशनशिप को ड्रैग करे जा रहे हैं फॉर नो रीज़न, क्योंकि दूसरे को सुधारना तो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे जो खुद के एक्शंस हैं वो ही हमारे हाथ में होते हैं, किसी और के नहीं, करेक्ट। तो इसीलिए अगर सुधारा जा सकता है तो इट्स बेटर टू लीव इट ऑन देयर ओन अंडरस्टैंडिंग कि
अगर वो बंदा आपको प्यार करता है तो 100% है, जो चीज़ आपको नहीं अच्छी लगती है वो वैसा धीरे धीरे करके छोड़ देगा। लेकिन अगर आप उसको कॉन्स्टेंटली बोलते रहते हैं कि ये मुझे पसंद नहीं है, ये मुझे पसंद नहीं है, तो आप बहुत इरिटेटिंग हो जाएंगे अपने पार्टनर के लिए। साथ ही दूसरे भी देखते हैं इस चीज़ को कि आपके अंदर जो मनमुटाव है वो आपके रिलेशनशिप में दूसरे लोगों को भी नज़र आएगा, सिर्फ आपको ही नहीं। और अगर आप अच्छे हैं छुपाने में तो मे भी दूसरों को नज़र नहीं आए, लेकिन आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे और आपके लिए ऐसी रिलेशनशिप में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो कॉन्स्टेंटली अपने पार्टनर को अप्रिशिएट करिए और उनको उनकी अंडरस्टैंडिंग पे छोड़ दीजिए कि वो आपको समझते हैं। अब दूसरा जो ट्रेट है एक रिलेशनशिप को जो डैमेज कर सकता है वो लीड करता है क्रिटिसिज्म के थ्रू ही, जो कि है डिफेंसिवनेस। जैसे ही कोई क्रिटिसाइज करना चालू करता है, आपको बुराई करता है, तो आप कैसे डिफेंडिंग पोज में आ जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि कुछ अटैक हो रहा है आपके ऊपर। तो आपकी पूरी जो पर्सोना है, चाहे आपका दिमाग है, चाहे आपकी बॉडी लैंग्वेज है, वो सब कुछ शिफ्ट हो जाती है और आप अपने आप को डिफेंड करने लगते हैं। तो अगेन दैट ऑल्सो इज रॉन्ग, क्योंकि अगर आपके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है अपनी गलतियों का, तो अगेन इट रिफ्लेक्ट्स ऑन योर रिलेशनशिप्स। कभी कभी जब हमारे पार्टनर जो हैं एक अच्छी तरह से आके हमको अपने साइड ऑफ स्टोरी बताते हैं या एक्सप्लेन करते हैं कि कल जो भी कुछ तुमने किया वो मुझे अच्छा नहीं लगा, या फिर मुझे किसी चीज़ ने हर्ट किया, हम सीधा डिफेंसिव हो जाते हैं। और इस डिफेंसिवनेस का के कारण वो अपने आप को जस्टिफाई करने लगता है, इंस्टेड ऑफ जस्ट बीइंग प्रेजेंट ओवर देयर एंड लिसनिंग इट आउट। अगर आप सिर्फ सुनते नहीं हैं अपने पार्टनर को और आप डिफेंसिव हो जाते हैं कि नहीं 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 मैं जो हूँ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और आप उसकी सफाई देने लगते हैं और आप बताने लगते हैं कि जो मैंने किया वो सही किया या फिर गलत किया, दैट इज़ नॉट द करेक्ट वे टू गो। सो वेन योर पार्टनर कम्स टू यू, यू शुड बी प्रेजेंट ओवर देयर, यू शुड बी ऑल ईयर्स। आपको सिर्फ सुनना चाहिए, जो भी कुछ है उसको अच्छे से समझने की कोशिश करनी चाहिए अपने पार्टनर की स्टोरी को, और उसको कंसोल करना चाहिए। क्योंकि अगर आपका पार्टनर आप पे इस बात पे रिलाई नहीं कर सकता कि अगर कुछ चीज उसके दिल को दुखा कर गई है, और आप ही तो हैं आखिर जो कि है ना जिसपे वो रिलाई कर सकता है और सुन सकता है उसकी बात को, अगर आप ही नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा, है कि नहीं। तो हमारे पार्टनर जो होते हैं उनको हमको पूरा सपोर्ट देना चाहिए, स्पेशली ऐसे मोमेंट पे जहाँ पे उनको पूरी तरह से सपोर्ट की ज़रूरत है और एक वैलिडेशन की ज़रूरत है कि जो भी चीज़ उनको हर्ट करी है वो आगे चल के फिर से उनको इफ़ेक्ट ना करे। प्लस एक अच्छी चीज़ भी इसमें ये हो सकती है कि आपको अपने पार्टनर को समझने में आसानी होगी कि वो जिस तरह से रिएक्ट करता है या करती है वो क्यों होता है। और ऐसे टाइम पे जब हमारा पार्टनर हमसे बात कर रहा है, हमको उस कन्वर्सेशन से स्विच ऑफ करके हमारे दिमाग में ये लाइनअप स्टेटमेंट्स नहीं करना चालू कर देना चाहिए कि किस तरह से मैं इस कन्वर्सेशन को डिफेंड करूं और किस तरह से मैं अपने आप को सही प्रूव करने की कोशिश करूं, क्योंकि उस समय आप उस कन्वर्सेशन को छोड़कर चले जाते हैं आप अपने दिमाग के अंदर ही ऑफ कोर्स, और आप प्रॉपरली अपने पार्टनर को समझने की पूरा प्रयास कर ही नहीं पाते। इसलिए बी प्रेजेंट, बी प्रेजेंट मीन्स सिर्फ लिसन, लिसन विथ ऑल योर ईयर्स, विथ ऑल योर इंटेलेक्ट। क्योंकि अगर आप जब डिफेंसिव मोड में चले जाओगे तो बस एक ही आउटकम हो सकता है कि आप डिफेंसिव हो जाओगे, वो डिफेंसिव हो जाएगा, उसके बाद में एक ईगो फाइट चालू हो जाती है कि कौन सही है कौन गलत है और किसने ज्यादा सही किया किसने ज्यादा गलत किया, इस कन्वर्सेशन पे चले जाते हैं, मगर उसका सॉल्यूशन जो है वो ढूंढना हम भूल जाते हैं और बस कम्युनिकेशन होता ही नहीं है और कोई प्रोडक्टिव इसका निष्कर्ष निकल के आ ही नहीं पाता। इस चीज में मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप अपने बैटल्स को पिक करिए। ऐसी कौन सी दो सबसे बड़ी चीजें हैं जो कि आपको सबसे ज्यादा बॉदर करती हैं, सिर्फ उन्हीं को एड्रेस करिए। ये नहीं कि हर छोटी छोटी बात पे क्रिटिसाइज करते रहें, हर चीज को आप डिफेंड करते रहें। आप उन्हीं चीजों के लिए फाइट करिए जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब हम क्रिटिसाइज करते हैं किसी को तो दूसरा बंदा जो है वो अपने आप को छोटा महसूस करता है
और जब वो छोटा महसूस करता है, एक रिलेशनशिप में इक्वल महसूस नहीं करता, वो अपने प्यार में इक्वल महसूस नहीं करता और अपने आप को आपसे कम दिखता है जब वो क्रिटिसिज्म हो रहा होता है, तो वो आपके रिलेशनशिप को डैमेज कर सकता है। एक ट्रस्ट जो है वो टूटता है दूसरे बंदे का, क्योंकि वो आपकी आंखों में कम महसूस नहीं करना चाहता, वो आपसे पूरा पूरा प्यार चाहता है। और वो प्यार तभी दिखेगा जब आप अच्छी भाषा में प्यार से उसे समझाएंगे कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। आप ये बताएंगे कि मुझे अच्छा नहीं लगा जब तुमने ऐसा किया, तो ना कि आप ये बोलेंगे कि तुम ऐसा करते हो, तुम वैसा करते हो, मैं तो तुम्हारे लिए ये करता हूँ। आप दूसरे को छोटा महसूस नहीं कराएंगे, आप सिर्फ प्यार की भाषा यूज करेंगे। आप सिर्फ उसे इतना बोलेंगे कि मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम भी जानते हो कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। करेक्ट। तो जब हम दूसरे का साथ पूरी तरह से देंगे, आप देखिए दूसरा भी आपका साथ पूरी तरह से देगा। और अगर कोई साथ देने को तैयार ही नहीं है तो फिर कोई फायदा ही नहीं है उस रिलेशनशिप का। करेक्ट। क्योंकि रिस्पेक्ट म्यूचुअल होनी चाहिए, क्योंकि हम ये तो नहीं चाहते हैं ना कि हमारा पार्टनर हमको अपना दुश्मन समझने लगे, इसीलिए वो डिफेंसिव हो जाए। इवन जो हमारे बच्चे हैं उनके साथ भी हम अगर पूरे टाइम क्रिटिसाइज नहीं करते रहे और उनको हम ज्यादातर अप्रिशिएट करें, तो वो रियल वर्ल्ड में जाकर भी इस तरह से डिफेंसिव नहीं होंगे लोगों को देखकर कि ये क्रिटिसिज्म जो है हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये उसी मोड पे जा रहा है जहां बचपन में हमारे साथ इतना क्रिटिसिज्म हुआ करता था। तो ये किसी भी रिलेशनशिप में वर्क करेगा। अब जो तीसरा ट्रेट है जो कि एक रिलेशनशिप को डैमेज कर सकता है, वो है निंदा, कंटेम्प्ट। अगर हम अंदर ही अंदर अपने पार्टनर को इक्वल नहीं समझते हैं, उसको किसी ना किसी चीज में कम समझते हैं, कम आते हैं रिलेशनशिप में, तो हमारे अंदर भले ही हम मुंह से ना बोले लेकिन अंदर ही अंदर ऐसा फील करेंगे कि वो हमसे बेहतर नहीं है, या फिर वो दूसरों से बेहतर नहीं है, या वो वीक है, या वो अच्छा नहीं दिखता है, या ज़्यादा कमाता नहीं है। ये हो सकता है हमारे अंदर के फियर्स हों या अंदर के इमोशंस हों, जो भले ही हम उसे दिखाएं नहीं या फिर शायद दिखाएं भी। This can be highly damaging for your relationship, क्योंकि जैसा आप अंदर से महसूस करते हैं किसी के लिए, वो ही चीज़ें आपके चेहरे में, आपके बिहेवियर में दिखेंगी आपके पार्टनर को, और ये एक डिसरिस्पेक्ट होगा उस बंदे के लिए जो कि आपके साथ है, क्योंकि वो अप्रिसिएशन चाहता है आपसे, आपसे सिर्फ प्यार चाहता है। और अगर आपकी रिलेशनशिप में ऐसा कोई और है जो कि आपके साथ ऐसा कर रहा है, तो इट्स बेटर to move on from that relationship, क्योंकि अगर उस तरह की respect आपके relationship में नहीं है जहाँ वो आपके emotions को, आपकी आशाओं को पूरी तरह से support करता है, या फिर आपके appearance को पूरी तरह से support करता है और पूरी तरह से आपको प्यार करता है, तो वो relationship शायद आपके लिए है ही नहीं। कई सारी relationships, स्पेशली शादियों में ऐसा होता है जहाँ पे females ऐसा महसूस करती हैं कि इवन दो जो उनके हस्बैंड हैं उनको पूरी तरह से प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं देते और अपने आप से उनको कम आंकते हैं और वर्बली बोलते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम उससे बेहतर नहीं हो, तुम ऐसा ये गलतियां करती हो, इस तरह की चीज़ें आदमी लोग बहुत बार कर रहे होते हैं। और बहुत सारी औरतें हैं इंडिया में और बहुत सारे अलग अलग देशों में भी जहाँ पे औरतें सोचती हैं कि नहीं, हमें ये रिलेशनशिप चलाते रहनी है क्योंकि शायद हमारे बच्चों के कारण, या फिर हमारी उम्र अब इतनी हो गई है कि अब हम क्या करेंगे, ठीक है जैसा चल रहा है चलने दो। मगर इस दौरान जो आप हर रोज थोड़ा थोड़ा मरते रहते हो, ये बहुत डैमेजिंग है आपके खुद के लिए, क्योंकि जब तक आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, आपकी खुद की रिस्पेक्ट अपने लिए भी कम होती जाती है, विच इज नॉट गुड एट ऑल, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है आपके लिए, आपके खुद के सोल के लिए, आपके खुद की ग्रोथ के लिए, आपकी हैप्पीनेस के लिए अच्छा नहीं है, जहां आपका पार्टनर आपको कॉन्स्टेंटली नेग्लेक्ट करता है और आपको कंटेम्प्ट करता है, मीन्स आपकी निंदा करता है। ये
आपके लिए अच्छा नहीं है, आपके ओवरऑल जिंदगी के लिए अच्छा नहीं है, आपके एफर्मेशंस के लिए, आपकी आपकी स्माइल के लिए अच्छा नहीं है। ऐसी रिलेशनशिप्स जो होती है ना, वो एक डेड हॉर्स को खींचने की तरह होती हैं, जिसको हम कंटिन्यूसली बस ड्रैग किए जा रहे हैं, लेकिन उसका कोई एंड नहीं है। और जो दोनों पार्टनर्स हैं एक्चुअली उस रिलेशनशिप में है ही नहीं, उन लोगों का डाइवोर्स हो या नहीं हो, लेकिन अब फर्क ही नहीं पड़ता है उनको, क्योंकि बस अब ऐसे लोग सिर्फ एक छत के नीचे रह रहे हैं दो अनजान लोगों की तरह, सिर्फ इसीलिए कि उनको रहना है। कुछ उसका कोई निष्कर्ष ही नहीं है, उसका कोई एंड ही नहीं है, तो बस रहे जाओ, जिए जाओ और जिंदगी खत्म। ये कैसी जिंदगी हुई बताओ? खुशी खुशी प्यार से रहने वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी है ना, जहां हम भी खुश रह सकें, दूसरा भी खुश रह सके, हमें भी प्यार मिले, उसे भी प्यार मिले, है कि नहीं? और ऐसी जिंदगी ना सिर्फ एक लोनलीनेस से भरी होती है, एक अकेलेपन से भरी रह जाती है। हम भी अकेले, तुम भी अकेले, भले ही बगल में रह रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, मगर अकेले हैं दोनों। चले जा रहे हैं साथ में, लेकिन अकेले हैं दोनों। ऐसे अकेलेपन से तो साथ न रहना ज्यादा अच्छा, शायद हमें ज्यादा खुशियां मिले अगर हम साथ न रह रहे हो तो। अब चौथा जो सबसे डैमेजिंग सीड या बीज हो सकता है एक रिलेशनशिप को डैमेज करने का, वो होता है अनसुना करना। अनसुना करना या अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी तरह से शट ऑफ हो जाना अपने पार्टनर की तरफ से, जिसे कहते हैं स्टोन वॉलिंग। मतलब जो बिहेवियर आपको आपके पार्टनर का पसंद नहीं आता है, आप उसको महसूस करना ही बंद कर देते हैं, देखना ही बंद कर देते हैं, और अपने आप को पूरी तरह से शट ऑफ कर देते हैं अपने पार्टनर की तरफ से। ये अगेन ऐसा ट्रेट है जहां पे आप सिर्फ दूरियां बढ़ाते जाते हैं। कभी कभी ये एक कोपिंग मैकेनिज्म हो सकता है आपके रिलेशनशिप के अंदर, क्योंकि आपके पार्टनर का जो क्रिटिसिज्म है वो बहुत ज्यादा आपके लिए दुखदायी होता जा रहा था, आप सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे इतने पेन के साथ में, जहां आपको कॉन्स्टेंटली इस तरह से नीचा रखा जाता है दूसरे इंसान से। तो ये कोपिंग मैकेनिज्म हो सकता है जहां पे आप अपने पार्टनर को पूरी तरह से शट ऑफ कर देते हैं बाहर। साथ ही ये स्टोन वॉलिंग शायद हमारे बचपन के किसी इंसिडेंट के कारण या फिर अपब्रिंगिंग के कारण हो सकती है, जहाँ पे हम स्टोन वॉल कर देते थे अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने पेरेंट्स को, जो कि चीज़ें हमें शायद अच्छी नहीं लगती थी, या फिर कोई ऐसे इंसिडेंट्स हुए होंगे जिनसे हमने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा किया हो। तो ये किसी भी रीज़न से हो सकता है, बट मोस्टली इसीलिए होता है क्योंकि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं ऐसे नेगेटिव इमोशन। तो अब एक रिलेशनशिप को अच्छी तरह से चलाने के लिए ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें करनी चाहिए? सबसे पहली है ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी मीन्स हम जैसे हैं वैसे ही हमारे पार्टनर को दिखाएं, कुछ भी चीज छुपाने की जरूरत नहीं। बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए आपको अपनी रिलेशनशिप में, ताकि आपके पार्टनर से आप कुछ भी हिडन नहीं रखें। आखिर छुपाना कैसा, आप दोनों एक ही तो हैं, है ना? और साथ ही आपको एकदम वल्नरेबल होना चाहिए, मतलब कि आप अगर रो देते हो अपने पार्टनर के सामने तो इट्स ओके। आप वीक नहीं हो जाते हो अगर आप अपने पार्टनर को अपने इमोशंस दिखाते हैं तो। एक रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक दूसरे को अपने बारे में जानने का मौका देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक दूसरे को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही ये जो हम ट्रांसपेरेंट होते हैं, ऑथेंटिक होते हैं और वल्नरेबल होते हैं, ये हमें खुद के साथ भी होना चाहिए। हमारे खुद के साथ की रिलेशनशिप भी ऐसी ही होनी चाहिए कि हमें अपने आप को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रखना है अपने आप के लिए, खुद को समझना है प्रॉपर, और हमें अपने आप के लिए वल्नरेबल भी रहना है, ताकि हम अपने आप को ज्यादा स्ट्रांग दिखाने के चक्कर में अपने जो लिमिटेशंस हैं उनको खुद ही ना आंक पाए, तो फिर क्या फायदा, है ना? तो इसीलिए दूसरों के साथ ही नहीं, ये रिलेशन ट्रेट्स आप अपने लिए भी अपनाइए। तो इसी तरह से मेरे चैनल को आप देखते रहिए, लाइक करिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज करिए। और साथ ही मुझे आज कमेंट्स में ये ज़रूर बताना कि आपकी रिलेशनशिप में ऐसे कौन से डाउनफॉल्स रहे हैं जिसके कारण आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है, और आपको क्या टेक अवे लगता है मेरी इस बात से।
इस चीज़ को भी बताना। और साथ ही मैं गौतम इंस्टीट्यूट की जो स्टडी है उसका एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ताकि अगर आप उस स्टडी को पढ़ना चाहें प्रॉपरली तो आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, एक दूसरे के साथ प्यार करते रहिए और प्यार बांटते रहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, खुद से प्यार करना मत भूलिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए, जल्दी ही फिर मिलती हूँ प्रियंका समीर तिवारी के साथ। जुड़े रहने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। नमस्कार।